आज मनमोहन सिंह जी की सरकार की अर्थनीति फिर से फेल हुई है। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। इसके लिए सरकार महंग पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का बहाना लेती थी, और सरकार ने ये भी बहाना लिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है, इसलिए महंगाई पेट्रोल की बढ़ा रहे। लेकिन अब सरकार रुपये और डॉलर के में जो अंतर आया है इसका बहाना ले रही। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम को ठीक रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी महंगाई दर डबल डिजिट में पहुंच गया है। सरकार ये कहती थी कि जब महंगाई बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ती, अब तो जीडीपी ग्रोथ पर भी फर्क पड़ा है, महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम इन्होंने 3 रुपए बढ़ाए हैं, इसको रोल बैक करना चाहिए। उनके जो सहयोगी दल हैं उनको बयानबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वो पेट्रोल के बढ़े हुए दाम को रोल बैक करे, क्योंकि पूरे देश में सरकार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है और अब सरकार भ्रष्टाचार का भी आर ले रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार में सरकार घिरी हुई है और उसको लगता है इसी बहाने महंगाई बढ़ा दो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों मुद्दे पर बराबर से लड़ रही है। हम सर चुप बैठने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने का तीखा और कड़ा विरोध करेगी। हम सरकार पर ये दबाव बनाएंगे कि वो पेट्रोल के दाम जो बढ़े हुए हैं उसको वापस ले। जहाँ तक सवाल है कि जब चुनाव आते हैं, आसाम और जब बंगाल और केरल के चुनाव थे तब इन्होंने उस वक्त दाम नहीं बढ़ाए थे, उस वक्त इनके पास ये बहाना नहीं था कि सरकार का नियंत्रण नहीं है। सरकार के लोग ये जवाब देते हैं कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग क्यों होती है, फिर सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है। सरकार ये बताए कि आम आदमी की बात करने वाली कांग्रेस, जो ये नारा लगाती थी कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है, आज कांग्रेस का हाथ आम आदमी के जेब में पहुंच गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, और उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, सिर्फ प्रणब मुखर्जी को फोन करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो सरकार पर दबाव बनाए। अपने उनके सहयोगी दल सरकार पर ये दबाव बनाए कि वो रोल बैक करे, क्योंकि सरकार अभी अगर किसी के दबाव में है तो वो अपने सहयोगी दल के दबाव में है, वो देश के जनता के दबाव में नहीं है, न विपक्ष के दबाव में है। मनमोहन सिंह जी की सरकार को और कांग्रेस को ये लगता है कि वो चुनाव एक बार जीत गए हैं और 2014 तक वो जितना जुल्म करना चाहेंगे जनता पर करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को अपना अर्थशास्त्र दिखाना चाहिए। इतना टैक्स है इस खासकर पेट्रोल और डीजल पर, जितना सरकार ने टैक्स लगा रखा है उस टैक्स के बारे में भी राज्य सरकारों के साथ बात करना चाहिए।
जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो कांग्रेस के नेता इसको राज्य पर दोष मढ़ते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि अभी पहले इसको जो 3 रुपए दाम बढ़ाएं उसको रोल बैक करे और उसके बाद राज्यों के साथ बात करके कोई मैकेनिज्म डेवलप करे जिससे आम आदमी को राहत मिल सके।